सीओ जिनके लिए बहुत सारा प्यार और स्वतंत्र प्रणाम करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सभी क्रॉस करके आए। कितने लोग माहिम क्रॉस किया है, माहिम ब्रिज बहुत सारे लोगों ने किया है। माहिम क्रीक की एक घटना एक कथा है, जब 1945 में हमारे सब लोग जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त दो दिग्गज जो जमशेद जी टाटा है और नाना शंकर शेठ है, इन्होंने एक विजन रखा कि अगर आजादी मिली तो आने जाने का और व्यवहार व्यवस्थापन कैसे होगा, क्योंकि दक्षिण मुंबई एक कोने में था और पूरे भारतवर्ष में वो राज्य कर रहा था। तो इस दक्षिण मुंबई को पूरे राज्य से, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से उनको एकत्रित करना था। वन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वन सोशल, जो व्यापारी भी है और समाज के लिए काम कर रहे थे, इन्होंने विचार किया अगर ये खाड़ी ऐसे ही रही तो हम आजादी तो पा लेंगे, लेकिन जिस जज्बे से आजादी स्वतंत्रता आगे बढ़नी चाहिए वैसे नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने पैसे से 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन 1945 में इन्होंने अपने खुद के पैसे से 3 लाख खुद के जेब से डाल के 1945 में ये खाड़ी का ब्रिज बना दिया। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। तो फ्रीडम टू द एंटायर इंडिया एक साथ जोड़ने के लिए, साउथ मुंबई से एक दक्षिण मुंबई से जोड़ने के लिए इन्होंने ये पुल खुद के पैसे से बनाया, दोनों एक साथ जुड़ गए, एक विजन रखा और इन्होंने ये खाड़ी का पुल ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 47 में जब आजादी मिली तब पूरे भारतवर्ष में वो स्वतंत्रता वो व्यवस्थापन करने के लिए बहुत आसान हो गया। हर एक मार्केट एक दूसरे से जुड़ गया। ऐसे ब्रिज से मिलना चाहते हो, हु इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट विजन आपको जोड़ने के लिए, आपके लिए क्या चाहिए ये समझने के लिए, एक विजन की तरह काम करने वाले। हेल्प मी टू वेलकम आवर ग्रेट इंटरनेशनल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर IMC of DXN, Mr. Raman Jasar. तालियां होनी चाहिए। आपसे आपका मार्केट, आपका सपना, आपका डिमांड, आपको जो भी सपना है उसका पूरा करने के लिए आज प्रतिबंधित है। तो मैं विनती करूंगी कि आपका प्रेजेंटेशन जारी करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है ना आवाज। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जो है ना इन्वर्टर चलना चालू होगी। अभी AC चल रही है ना, उस देर में इन्वर्टर चालू होगी तो ऑलरेडी वो गर्मी जो है ना, पांव की गर्मी सर तक जाके बोलेगी यस सर नो यस। तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि सभी का शेड्यूल फिक्स है, एवरीथिंग इज क्लियर। और आज जो मेरा टॉपिक है उसमें मुख्यतः मैं कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व होता है उस पर मैं विशेष बल डालूंगा। और साथ साथ मैम अभी बता रही थी कि दो ब्रिज का जो योजक करी है, आप यहां पर देख रहे हैं, मिस्टर रफीक जी भी आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चाहेंगे कि जो ये आज की प्रोग्राम है 6th एंड मेनली फेस ऑफ DXN, ये फेस ऑफ DXN के अंदर में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, क्या आप उसमें सहयोग हमें कर सकते हैं, क्या हम उसको लेकर के आगे आ सकते हैं, क्या हम दोनों एक साथ मिलकर इसको पूरा कर सकते हैं, क्या अपने लक्ष्य को पा सकते हैं,
तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज डिस्कस करेंगे, कुछ सजेशन हमारी होगी, कुछ ओपिनियन आपकी होगी, और इस दोनों को लेकर के हम इस ब्रिज की रचना करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? यस। यस नो? यस। तो यस कैसे कहना है ये आप लोगों को, कितने लोगों को पता है? ये देखिए डॉक्टर शारंग, यस यस। कितने लोगों के पास एक हाथ है? दो। आप लोगों के पास एक ही हाथ है? अच्छा, कितने लोगों के पास दो हाथ है? सभी के पास है, ऐसे उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और सिंपल, जब भी कोई, ये एनर्जी की बिजनेस है, ये जोश और जज्बे की बिजनेस है, ये आपको लोहा ढोने और पत्थर ढोने की बिजनेस नहीं है, ये हमें स्मार्ट बिजनेस करना है, ये हार्ड बिजनेस करने की चीज नहीं है। तो हमेशा अपनी ऊर्जा को आगे रखना है, क्या करना है? अपनी ऊर्जा को आगे रखना है। जो हमारा सुषुप्त ऊर्जा है, हमारे शरीर के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। हम अभी बोले क्या कि अभी अभी कुछ ही देर में इन्वर्टर चालू होने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच। तो जब भी कभी आपको ऐसा कहने का मौका आए, सीधा कहना यस। और ये रिदम बहुत क्या लगता है, ये रिदम जो है ना, ये जिंदगी की रिदम, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कि जिंदगी में लोग कहते हैं क्या कि अरे रफीक सर, अरे मेरे डाउनलाइन में ये हो गया, रफीक सर मेरे डाउनलाइन में वो हो गया, रमेश सर अरे मेल किया था आपने चेक नहीं किया क्या, सब करना है ना। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब एक अच्छे लीडर्स को एक अच्छी प्रॉब्लम्स आती है तो एक अच्छी सफलता उनके इंतजार करती है। अगर आपके अंदर में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ईसीजी की ग्राफ की तरह है। यहां पर मैं दो ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, एक तो ये है ना, और एक ये है आपका, ठीक है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा ग्राफ आप फॉलो करना चाहेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, समझ, फर्स्ट बी इंटरेक्टिव, यस जी, सेकेंड, यस सेकेंड, आर यू श्योर? यस। अभी कुछ लोगों को फर्स्ट ही पसंद है, देखो शांत बैठे हुए हैं। यस सर, फर्स्ट या सेकेंड? एक बार बोलिए, एक साथ बोलिए कि हमें सेकेंड वाली अच्छा लगता है, यानी कि आपको प्रॉब्लम अच्छा लगता है, दाग अच्छे हैं ना। तो इसी तरीके से ये जो नीचे वाली है, ये आज क्यों आप लोगों को अच्छा लगने लगा? अभी तो कह रहे थे कि हमारी टीम में प्रॉब्लम है, हमारी ट्रेन से ये हो रही है सर, तो अभी ये कहां से आ गया, ये क्यों, अभी बताइए बताइए, ये अच्छे हैं ना मिश्रा जी? यस सर, अच्छे हैं एकदम, बहुत अच्छे सर। ये तो ये तो बिल्कुल ये हाईवे पुणे लोनावला हाईवे की तरह दिख रहा है सर, वहां एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, ये एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी। ये चीज जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि प्लेन रास्ते जो होते हैं उसमें थोड़ा सा ब्रेकर होने क्यों आवश्यक है, आवश्यकता है, जिस दिन हम सभी को ये समझ में आ जाती है, उस दिन हम सुपर से बहुत ऊपर चले जाते हैं। यस चलो, यस चलो, यस तो अभी ठंडा इन्वर्टर तो अभी चालू हो रही है, धक 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 करते करते निकलेगी। यस चलो, यस यस। तो इस तरीके से ये इन्वर्टर, ये जो लाइन है ना, ये हमारी जिंदगी को आगे ले जाती है। इसीलिए जब आपके टीम में, जब आपके डाउनलाइन में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाए, तो आप समझिए कुछ अच्छा होने वाला है। यस यस। अब आप सोचो कि क्या बर्फ आइस के पहाड़ पे चढ़ सकते हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए? लेकिन एक नॉर्मल माउंटेन पे माउंटेनियर्स भी चढ़ जाते हैं। यस चलो, यस हेलो, यस। यहाँ सोने के लिए हम लोग नहीं आए, मैंने तो बता ही दिया, मेरा विजन बहुत क्लियर है, न सोऊंगा न सोने दूंगा, है ना। तो काम करना है तो
बस इंटरेक्ट रहना पड़ेगा। तो यही चीज मैं बता था कि आइस के फील्ड पे, आइस के माउंटेन पे क्या मैं चढ़ के हम लोग अपने टीम को सफलता दिला सकते हैं? yes. नहीं ना, बहुत स्मूथ होती है। उसमें क्या चाहिए? थोड़ा सा फ्रिक्शन चाहिए, है ना। अगर रोड सपाट हो, रोड अगर क्लीन हो, तो हम लोग कितने स्पीड से चलेंगे? 60 या 70? 120, 130, 200 भी क्रॉस कर जाएंगे, एक्सीलेटर पर पड़ेगी, उड़ जाएगी गाड़ी और एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन लोग फिर भी क्या कहते हैं कि थोड़ा सा रोड की ट्रैफिक क्लियर चाहिए। आप ये समझिए, ऊपर वाले ने जो बनाया है वो सब कुछ सोच समझ के बनाया है ना। yes. तो ट्रैफिक होनी चाहिए, रोड में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रिक्शन रहेगा, आप सावधानी से गाड़ी ड्राइव करते हैं, राइट। उसी तरीके से ये देखिए, जिंदगी को आगे ले जाने के लिए ग्राफ आती है। जिंदगी में हमेशा दो चीजें आती है, एक सुख की घड़ी और एक दुख की घड़ी, राइट। अभी अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग रोने लगे, देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, मैं इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। सर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पहले प्रॉब्लम्स आ गया तो यू आर द ऑनेस्ट पर्सन, यू आर द लकीस्ट पर्सन इन डी। अब बोलो क्यों? अब एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। यहां शेर खड़ा है और आपको पता है कि वो केस के अंदर नहीं है, और हम इस केस के बाहर खड़े हैं और आपको कहा जा रहा है कि एक शेर आएगा, है ना, एक शेर यहां पर आएगा और आप पर अटैक कर सकता है, सावधानी पूर्वक रहें। लेकिन अभी है नहीं, और अचानक ये पर्दा बीच का हटता है, आपको पता चलता है कि शेर सामने में खड़ा है। तो अब क्या करना है? अब तो सामना करना है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सामना करना है ना। तो हमेशा खतरों से खेलना सीखिए, क्योंकि अच्छा दिन का इंतजार तभी आप करने के हकदार हैं जब आप बुरे दिन से गुजर के आए हैं। यस नो? यस। तो इसीलिए हमेशा अगर बुरा दिन चल रहा है तो यू आर द लकीस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो है हमारे ईश्वर खुदा जो भी हैं, वो हमेशा जो इंसान को बनाए हैं, वो ये साइकिल है। हेड के साथ क्या होता है? ये लाइट जो प्रकाशित कर रही है पूरी दुनिया को, शाम को अंधेरा हो जाता है। लाइट अगर नहीं जलती है तो हम अंधेरे से ग्रसित हो जाते हैं। आपको पता है ये लाइट कैसे जलती है? ये लाइट कैसे जलती है सर? इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, होता है ना। yes. दो तार होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो बिना नेगेटिव चार्ज का ये जल सकता है क्या? तो आप समझ सकते हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जितनी अहमियत पॉजिटिव चार्ज की है, एग्जैक्टली उतनी ही अहमियत निगेटिव चार्ज की होती है। और कभी कभी हमारे अपलाइन भी बीच में खड़े हो जाते हैं न्यूट्रल जोन के कि प्लस माइनस को बैलेंस कर लो। क्या यशनो? तो इस तरीके से हमें, जिस तरीके से ये प्रकाश पूरी दुनिया को, अंधेरा को चीरते हुए प्रकाशित कर देती है, ठीक उसी तरीके से हमें यहां पर कैसे प्रकाश मिलती है कि प्लस के साथ माइनस जब रहता है। तो ये हमें सीखना होगा, ये हमारी लाइफ स्टाइल है, राइट। अभी डीएक्शन लाइफ स्टाइल लाने वाली है। तो इस तरीके से आपको मैं बता दूं कि ये हमारी लाइफ स्टाइल है, जहां पर कि हमें ये सीख के चलना पड़ेगा। आज अच्छा दिन चल रहा है, हो सकता है कल बुरा दिन भी आएगा, और बुरा दिन आएगा उसके बाद फिर अच्छा दिन है। यस सर, आर यू रेडी? यस। ये ग्राफ याद रहेगा ना? yes. नीचे वाले ग्राफ हमें ज्यादा ये पसंद। आज के समय में आप देख सकते हैं कि हमारे लीडर्स काफी ज्यादा डायनामिक है, काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। 12 ऑलमोस्ट, मिस्टर रफीक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 सी एज हियर इन इंडिया, 12 क्राउन एम्बेसडर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी। और इतना ही नहीं, हम सभी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूल्य जड़ी बूटी देने वाले नन अदर देन डॉक्टर डॉक्टर लिम सियो, जिनके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडर वन रूफ। डीएक्सएन इज ऑपरेटिंग अंडर वन रूफ।
और इसके तहत अभी जो इंडिया की बात कर ले, मैं अभी चार कंट्रीज देख रहा हूँ, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका एज इंटरनेशनल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। और हमारा जो रोल होता है वो कोऑर्डिनेशन का। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि क्या ये कोऑर्डिनेशन को क्यों लाया गया है इस बीच में, और कोऑर्डिनेशन का रोल क्या होता है, और आपकी बिजनेस में ये कोऑर्डिनेशन का क्या अहम रोल होने जा रहा है। आर यू रेडी? यस। जानना चाहेंगे? यस यस। जिस तरीके से मैम अभी बता रही थी कि अभी ये योजक करी ब्रिज के बारे में बात कर रही थी, तो कोऑर्डिनेशन जो होती है, कोऑर्डिनेशन टीम जो होता है वो आप तक पहुंचेगी, और मैनेजमेंट और लीडर्स के बीच में एक योजक करी बन के खड़ी हुई है, है ना। हो सकता है कि रफीक जी को आप मेल करेंगे, हो सकता है इनको आपको रिप्लाई देने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी मेल्स आती है, हो सकता है 24 आवर्स लगे, 48 आवर्स हो गए, हो सकता है इमरजेंसी हो, कोई अर्जेंसी हो। इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए, आपको क्विक एक्शन के लिए, क्विक सॉल्यूशन के लिए इसके थ्रू आप जा सकते हैं। आपके बीच में अगर अपलाइंस डाउनलाइंस के बीच में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स है तो इससे तो बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर है तो सॉल्यूशन आएगी, अगर प्रॉब्लम्स नहीं है यानी कि काम नहीं हो रही है। क्लियर? इफ देयर इज ए प्रॉब्लम्स देयर इज ए सॉल्यूशन, अगर नहीं प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी नहीं है। यस, तो आप काम ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी कहां से? कुहासे के दिन में जब कोहरा छाया हुआ रहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो सुबह सुबह उठते हैं और एक बार विंडो पेन से कर्टेन को हटा के देखते हैं, क्या देखते हैं, झांकते हैं कि क्या कुहासा छटा है, ऑफिस जाना है, कार्य क्षेत्र में जाना है ना, फिर देखते हैं कि नहीं नहीं अंधेरा है, कुछ लोग सो जाते हैं, फिर कुछ लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी उसमें से होते हैं जो कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, नीचे जाते हैं, गाड़ी की हेडलाइट स्टार्ट करते हैं और लाइट जब ऑन करेंगे तो 6 फीट कम से कम तो दिखाई देगी, और जब 6 फीट दिखाई देती है तो फिर अगला 6 फीट तक चले जाते हैं, फिर 6 फीट दिखाई देती है, जब आप फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिखाई देती है, और इस तरीके से आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इस तरीके से आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये कौन पहुंच सकता है? जो डेडली कमिटेड है, जो समर्पित है। 3D factors, ऑलवेज रिमेंबर 3D factors, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। ये 3 factors को अगर आप अपने जिंदगी में ले आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक बड़ी टीम खड़ा करने से नहीं रोक सकता है। डेडिकेशन एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा। आइंस्टीन साहब एक बार जा रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, राइट, और अचानक टीटी आ गए। टीटी साहब आ गए तो घबराने लगे, वो चेक करने लगे कि उनको टीटी को देख के याद आया कि हम टिकट एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन उनके सराउंडिंग्स में जो लोग थे वो ये समझे कि इनका टिकट कहीं खो गया है या सर्च कर रहे हैं कहां रखा हुआ। तो आजू बाजू के जो लोग थे वो कहने लगे कि अरे आइंस्टीन आप इतने बड़े आदमी हैं, आप टिकट क्यों खोज रहे हो? तो बोला कि फिर भी नहीं जवाब दिया, और तब तक टीटी नजदीक आ रहा है और लोग, अरे सर आप क्यों घबरा रहे हैं, आपको टीटी साहब इतने बड़े हस्ती है, आपको कौन पूछेगा कि आपकी टीटी टिकट लिए है कि नहीं लिए, आप नहीं घबराइए। टीटी आया, सच में नहीं पूछा, वो चले गए। अब वो और ज्यादा परेशान हो गए, टिकट कहां है। तो फिर सब पूछने, तब तक मैं ट्रेन रुक गई, सब पूछने लगा कि क्या हुआ सर, क्या हुआ, आप अभी अब तो टीटी चला गया। तो कहता कि एक्चुअली जहां मुझे जाना है उसका पता उसी पे लिखा है, जहां मुझे जाना है उसका पता उसी पे लिखा हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप कोई काम करते हो, क्या है, आइंस्टीन साहब कोई भगवान थोड़ी थे, इंसान थे ना, हम लोगों की तरह ही थे, है ना। ये क्या है, वो 11% अप्रोक्सीमेटली अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर दिए और वो एक साइंटिस्ट बन गए। हम लोग 7-8% जाते जाते फिनिश हो जाते हैं। तो इस तरह की कमिटमेंट कितने लोगों के पास है, डेडिकेशन कितने लोगों के पास है? तो डेडिकेशन होनी चाहिए इस तरह की कि वो कहीं पर भी है वो अपने दुनिया में खोए हुए, वो दुनिया में खोए हुए हैं कि देख रहे हैं कि किस तरीके से। मैं दातु डॉक्टर लिम सो जिन 2012 या 11 में बिहार आए थे,
तो उस पीरियड में उन्होंने एक अपना इच्छा जाहिर किए थे कि रमन आई जस्ट वांट टू विजिट माय कैंपस आईटी खड़गपुर कैंपस जहां से उन्होंने ग्रेजुएट किया. हम लोग के सर डेफिनेटली आई विल गो एंड आई विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू. आई वेंट देयर आई अरेंज एवरीथिंग फॉर हिम एंड वंस आई मेट टू द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी खड़गपुर एंड आई जस्ट यू नो मैं उनको दिया अपना प्रपोजल कि ऐसे ऐसे आपके यहां से इतने साल पहले ग्रेजुएट किए थे डॉक्टर लिम सू जिन इनका ये प्रोफाइल है अभी इस तरह का. वो बोले इट्स माय प्रिविलेज टू वेलकम हिम ओके आई विल बी हैविंग अ चीफ गेस्ट आई विल ऑर्गेनाइज वन सेमिनार फॉर हिम. और डॉक्टर लिम वहां पे गए और उस पीरियड में ये तो एक अलग चैप्टर है. मैं कहना क्या चाह रहा था कि जब मैं वहां गया तो एक स्टूडेंट को देखा कि जैसे लगता था ब्रश भी नहीं किया है कुछ नहीं किया है. इतनी बड़ी क्वाइल वाली ये जो ट्रक वगैरह का जो व्हील होता है क्वाइल्स उसमें वो दुनिया में खोया हुआ एकदम. मतलब हम गुजर रहे हैं हम दो बार तीन बार उधर से गए उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं. जैसे न्यूट्रल आदमी होता है बिल्कुल जैसे लगता था कि सांसें नहीं चल रही है और वो दुनिया में खोया हुआ है. इफ यू रियली वॉन्ट टू डेवलप योर नेटवर्क इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक अ बिग टीम देन यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर यू नो गोल टुवर्ड्स योर टारगेट. डोंट सी लेफ्ट डोंट सी राइट फिक्स योर गोल एंड हिट द टारगेट दैट शुड ओनली बी योर मोटो. लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं. अच्छा अपना तो चल ही रहा है थोड़ा इधर भी देखते क्या हो रहा है क्रॉस लाइन में. अच्छा थोड़ा पीछे भी देख लेते हैं. अच्छा ऐसा चल रहा है क्या. अच्छा अरे यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ व्हाई यू आर नॉट बिलीविंग योर सेल्फ. यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू गेट सक्सेस ओके. सो आप अपने एनर्जी को पहचानिए अपनी ऊर्जा को पहचानिए. एवरीबॉडी हैविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट इज स्कैटर्ड एनर्जी. हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है स्कैटर्ड एनर्जी होती है. उस एनर्जी को वी हैव टू पुट इट ऑन द राइट ट्रैक टू एक्सप्लोर इन द राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम. इस ऊर्जा को हम एकत्रित करके और एक चैनल पे ला करके जब काम करते हैं तो वहां पे हमें सफलता मिलती है. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेडिकेशन डिवोशन. कभी डॉक्टर लिम को देखे हैं आप. लिम सर को देखे हैं कभी सुनिया पर बैठे हुए है? कभी बगल से उनसे गुजरते हैं तो कभी देखते हैं उनको कुछ ऐसे देखते हैं ऐसे देखते हैं. ऐसा नहीं है ना कि सुनिया पे कोई बैठा हुआ है क्या हो रहा है. ऐसे नहीं है ना. अगर सुनिया पे बैठे हुए तो सुनने का मतलब क्या होता है. अपने आप के अपने बॉडी के 63 ट्रिलियन सेल से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है. कितना 63 ट्रिलियन 63 खरब कोशिकाओं से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है. अगर एक भी कोशिका बीमार हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं. तो जस्ट फॉर काइंड इंफॉर्मेशन इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग यू नीड टू बी डिवोटी लाइक डॉक्टर लिम सू जिन. अगर आप कभी उनको सुनने पर देखेंगे तो वो ऐसे बैठते हैं कि आप आगे पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलता. अपनी बॉडी का वो 63 खरब कोशिकाओं को समर्पित कर दीजिए शून्य कर दीजिए शून्य में चले जाइए. ये बॉडी आपका है ही नहीं ये सोचिए और तब देखिए कि क्या होता है. अब ये ग्लास है ये बोतल है राइट. अब ये देखो ये इसमें खाली दिख रहा है ना दिख रहा है कि नहीं. आप सभी लोग जानते हैं आप लोग लीडर्स हैं ये हजारों बार ये एग्जांपल आया होगा आपके बीच में. ये कोई नई एग्जांपल नहीं है. लेकिन यही चीज हम अगर पूछें आप लोगों से कि क्या दिख रहा है तो कुछ लोगों की जवाब क्या आएगी आधा खाली है और कुछ लोग क्या बोलेंगे आधा भरा हुआ है ना. अब ये देखिए सोच के ऊपर डिपेंड करता है क्या करता है ये आपके थॉट. क्या जिन्होंने बोला कि आधा खाली है वो गलत है क्या. जिन्होंने बोला कि आधा भरा हुआ है वो गलत है. दोनों सही है. तो ये डिपेंड करता है हमारी परसेप्शन का हाउ वी आर परसीविंग द रिप्लाई फ्रॉम द टीम. ठीक है हम कैसे उसको परसीव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. सेकेंड पॉइंट जो होता है डिवोशन एंड थर्ड डिटर्मिनेशन. हमने फिक्स कर दिया कि हमें सीए बनना है तो धर्मशिला जैसे आदमी बन जाते.
है ना। धर्मशिला का नाम इसलिए, यहां पर बहुत सारे सीए हैं नो डाउट, उनका नाम इसलिए लिए कि आप सभी से कम पढ़ी लिखी है, ठीक है। और जब उस तरह की लिटरेसी रेट बिहार में नहीं है, और उसके बाद जो सामने आता है डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये चीज थ्री डी फैक्टर्स पे अगर आप काम करते हो तो धर्मशिला जैसे लेडीज भी डीएक्सएन सिस्टम के अंदर में ग्राउंड एम्बेसडर बन जाती है। यस नो, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये चीज हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी, बार बार प्रॉब्लम्स आएगी, और हर बार आपको सामना करना पड़ेगा। हमने पहले ही कर दिया प्रॉब्लम का डेफिनेशन, प्रॉब्लम इज सफलता। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो आने वाले सफलता को इंतजार कीजिए। एक कहानी सुनाना चाहूंगा, आप लोग सुनोगे? यस। कुछ लोग नहीं सुनना चाहते हैं? यस। सुनना चाहते हैं? यस। आप ना भी कहते तो मैं सुना, ठीक है, लेकिन अगर यस है तो कैसे? यस यस यस, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा एक बार की बात है कि एक व्यक्ति गांव में मंदिर बनाने का निर्णय लिए, ठीक है, मंदिर बनाने का निर्णय लिए, और उनको दो मूर्तियां चाहिए। वो गए और जो स्कल्पचर थे, जो मूर्तिकार थे, उनको जाकर के बताया कि हमें ऐसे ऐसे दो मूर्तियां चाहिए। उन्होंने जाया, वो गया और उन्होंने साई दिया, वो पैसे दिए, ऑर्डर दिए, वो बोले कि आप 3 दिन के बाद आइए, आपको मूर्तियां मिल जाएगी, राइट, मूर्तियां मिल जाएगी। फिर वो 10 दिन के बाद आए, उससे पहले ये मूर्तिकार जो थे वो जंगल में गए, वहां से पत्थर उठा के लाए, दो बड़े बड़े पत्थर, और उनको शिल्पकारी से वो मूर्ति बनाना चालू किए। जो पहला मूर्तियां बनाना चालू किए तो जैसे ही छेनी और हथौड़ी